सो गाइस 2499 में फायरबोल्ट ने लॉन्च किए रेट्रो एडिशन स्मार्ट वॉच। डेफिनेटली नाम है इसका फायरबोल्ट रेट्रो, ये है रोज गोल्ड। एंड और एक वेरिएंट हमारे पास है जो है ब्लैक कलर का वेरिएंट। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। सो गाइस कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। एंड बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले यहाँ पे वो एक्चुअल स्मार्ट वॉच, काफी रेट्रो लुक में आपको ये वॉच देखने मिलते हैं। उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने काफी बड़ा सा यूजर मैनुअल प्रोवाइड किया है। कुछ एडिशनल कूपन्स आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रैप है उसे एडजस्ट करने के लिए आपको एक एडजस्टमेंट टूल भी देखने मिलता है। एंड फाइनली इसके मैग्नेटिक चार्जिंग केबल। तो गाइस सारी चीजों के बारे में जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे हमारे पास रोज गोल्ड एंड ब्लैक कलर में दो यूनिट्स है। कंप्लीट जो बिल्ड है आपको स्टेनलेस स्टील की यहाँ पे देखने मिलते हैं। रेयर जो है आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने मिलता है, जहाँ पे उन्होंने सेंसर्स एंड चार्जिंग पॉइंट प्रोवाइड किए। एंड वॉच की लुक आप देख सकते हो, रेट्रो लुक में आपको देखने मिलता है। चार नेविगेशन बटन्स भी उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए। एंड यहाँ पे आपको IP67 की रेटिंग देखने मिलती है। अगर ये गलती से पानी में गिर जाता है ना, टेंशन मत लीजिए, बट इंटेंशनली मत गिराइए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्विमिंग का वर्कआउट मोड अनफॉर्चुनेटली देखने नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हैं। एंड डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1.54 इंच का LCD डिस्प्ले उन्होंने प्रोवाइड किया है 240x240 रेजोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे डिस्प्ले की साइज छोटी है, क्योंकि गाइस ये एक रेट्रो एडिशन स्मार्ट वॉच है, तो उस हिसाब से इस वॉच को डिजाइन किया है छोटे डिस्प्ले में। एंड ब्राइटनेस निकल के आते हैं 600 nits की, आउटडोर्स डायरेक्ट सनलाइट में भी विजिबिलिटी काफी बढ़िया निकल के आएगी। एंड यस गाइस ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वॉच की हेल्प से कॉल को प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे हम एक कॉल प्लेस करते हैं, एक्चुअली रोज गोल्ड वाली वॉच कनेक्ट की है मैंने फोन के साथ, तो यहाँ से इससे ही कॉल प्लेस करते हैं। सर एक 10 मिनट में आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। अरे मैंने तेरे को कॉल इसके लिए किया है कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है वो बता। अच्छा, वॉच का, हाँ, का रिव्यू ले रहा हूँ, तो उसके लिए बता मुझे कि ऑडियो क्वालिटी मेरी सुनने अच्छी मिल रही है क्या। हाँ सर आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है सर ऑडियो। अच्छा ठीक है, तेरा ऑडियो डिसेंट सा आ रहा है, बट मेरा क्लियर आ रहा है ना। ओके ठीक है, आजा आजा 10 मिनट में आजा, थैंक यू। इसको लगा कि मैंने इसको कॉल किया, ये ऑफिस में नहीं आया इसके लिए। तो गाइस स्पीकर है ना, इतना ज्यादा लाउड आपको सुनने नहीं मिलता है, बट वॉइस ट्रांसमिशन काफी बढ़िया आपको देखने मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी प्रोवाइड किया। डेफिनेटली आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एंड कॉल को भी प्लेस कर सकते हो। कॉल प्लेस करके दिखाया क्या? दिखाई देते। कॉल टीम टेक अनबॉक्सिंग। ऑलराइट, कॉलिंग टीम टेक अनबॉक्सिंग। सो यस गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉल है वो प्लेस हो चुका है। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप कॉल डेफिनेटली प्लेस कर सकते हो। अरे समझ गए भाई, समझ। एंड हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग एंड स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी उन्होंने प्रोवाइड किया। उसी के साथ यहाँ पे आपको 70+ वर्कआउट मोड्स भी इसके अंदर देखने मिलते हैं। यहाँ पे जो आउटडोर वॉकिंग वाला वर्कआउट मोड है ना, उसे हमने टेस्ट किया था। स्मार्ट वॉच के ऊपर गाइस नो डाउट बहुत ही ज्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको देखने मिलते हैं। एंड एप्लीकेशन के अंदर भी आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हो। सो इन शॉर्ट गाइस इस वॉच को फिटनेस ट्रैकिंग के लिए फॉर श्योर यूज कर सकते हो। वैसे रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा एक्यूरेट लगे जब भी मैं चल रहा था इसके साथ। एंड उसी के साथ डायरेक्टली हम बढ़ते हैं स्मार्ट वॉच के UI की तरफ। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको होम स्क्रीन देखने मिलता है, बस आपको टैप करके प्रेस करके रखना है। एंड फिर यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट वॉच फेसेस है उन्हें आप चेंज कर सकते हो। ऊपर से नीचे स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने मिलता है। नीचे से ऊपर स्वाइप करते हैं, यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस सेटिंग्स देखने मिलते हैं। ढेर सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड की है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको ढेर सारे विजेट्स देखने मिलते हैं हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स के। एंड यस आप कस्टमाइज भी कर सकते हो विजेट्स को। राइट हैंड साइड पे क्विक एक्सेस मेन्यू उन्होंने प्रोवाइड किया है। मेन्यू का बटन यहाँ पे दबाती आप मेन मेन्यू में जा सकते हो, जहाँ पे स्पोर्ट्स, रिकॉर्ड्स, डायल, फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स, नोटिफिकेशन, अलार्म, वो सारे ऑप्शंस आपको देखने मिलते हैं। गेम्स भी यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किए, एक ही गेम यहाँ पे आपको देखने मिलता है। फिर फाइंड माई फोन, कैलेंडर का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने मिलता है। AI वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर ऑन द गो आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, कैमरा, SOS, फिर यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक का भी ऑप्शन आपको देखने मिलता है। आप एप्लीकेशन की हेल्प से यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट की और कोड सेटिंग्स में गाइस ढेर सारी चीजें यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। सो गाइस काफी बढ़िया यूआई आपको देखने मिलता है इस पर्टिकुलर स्मार्ट वॉच के अंदर। गाइस नोटिफिकेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्विक नोटिफिकेशंस आपको देखने मिलता है। कॉल इमीडिएटली स्मार्ट वॉच के ऊपर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। SMS भी क्विकली रिफ्लेक्ट हो जाता है, जहाँ पे 25 से लेकर 30 वर्ड्स का SMS आप स्मार्ट वॉच के ऊपर रीड कर सकते हो। एंड टॉप ऑफ दैट यस यहाँ पे आपको हिंदी SMS का भी सपोर्ट देखने मिलता है। एंड बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 290 mAh की बैटरी देखने मिलती है।
एंड गाइस डेफिनेटली दो दिन तक इसकी बैटरी लाइफ चलेगी, क्योंकि जब से हमने चार्ज किया ना अब तक तो बैटरी इसकी है 50% तो है। एंड फाइनली हम बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन के यूआई की तरफ। सो गाइस ये है कोफिट एप्लीकेशन, एंड सबसे पहले यहाँ पे आपको डिफरेंट हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स के विजिट्स देखने मिलते हैं। एंड यस यहाँ पे हमने आउटडोर वॉकिंग किया था, आउटडोर वॉकिंग की आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने मिलती है, स्टेप हो गए या फिर फ्रीक्वेंसी हो गई, स्पीड हो गई, एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है। स्पोर्ट्स को आप डायरेक्टली यहाँ से ट्रिगर कर सकते हो। इन ऐप GPS का फीचर आपको देखने मिलता है। डिवाइस में आप देख सकते हो स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है। ऑनलाइन ढेर सारे वॉच फेसेस यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, डायरेक्टली डाउनलोड करके आप सिंक कर सकते हो। कस्टमाइजेबल वॉच फेस भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। नोटिफिकेशंस को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। फिर गाइस यहाँ पे इनकमिंग कॉल अलर्ट है, एंटी लॉस, DNT, अलार्म, सेडेंटरी रिमाइंडर्स, ढेर सारी चीज़ें आपको देखने मिलते हैं, आपके हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे हेल्थ ट्रैकिंग पैरामीटर्स को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। फीमेल मेंस्ट्रुअल हेल्थ साइकिल रिमाइंडर भी आपको देखने मिलता है। एंड यस फर्मवेयर अपग्रेड का भी ऑप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया है। प्लस यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक एंड स्टॉक मार्केट को भी आप ऐड कर सकते हो। सो गाइस काफी बढ़िया यूआई आपको देखने मिलता है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस ये जो फायरबोल्ट की रेट्रो स्मार्ट वॉच है डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी क्रिएट करता है। 2-fold 9 में स्टेनलेस स्टील की बिल्ड भी यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग भी है, तो AI वॉइस असिस्टेंट का फीचर देखने मिलता है, स्पोर्ट्स ट्रैकिंग भी एक्यूरेट मुझे लगी। सो वैल्यू फॉर मनी, आपको ये वॉच कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, एंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड गाइस बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।